मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र एवं पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मेला प्राधिकरण स्थित आईसीसीसी सभागार में आगामी माघ मेला को सकुशल, सुरक्षित एवं स्वच्छ ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु की गई तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने मेला से संबंधित विभागों के कार्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को माघ मेला 2023 को सकुशल, सुरक्षित एवं स्वच्छ ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि तैयारियों एवं व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं, स्नानार्थियों एवं कल्पवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित रहे। भाई अभी आप देख रहे हो कि अभी आगामी 6 तारीख को पहला तो हमारा ये पौष पूर्णिमा का जो है मेला है, और उसके बाद फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, 26 जनवरी को जाकर के ये वसंत पंचमी का है, फिर 5 फरवरी को वो अमावस्या, एक 21 जनवरी को हमारी जो है बौनी अमावस्या है, फिर 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा है, और उसके बाद फिर 18 फरवरी को ये महाशिवरात्रि है। तो ये इतने सारे पर्व देखे बगैर किसी कहीं से बुलाए हुए पूरे देश भर से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस समय करीब 50,000 से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कि हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार की व्यवस्था की, इतनी अच्छी सफाई की व्यवस्था है, सारी की सारी हर जगह लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, लोगों को अच्छे से स्नान करने की व्यवस्था, ये शौचालय की व्यवस्था, हर तरह से उन लोगों को पूरी तरीके से, और पानी भी बिल्कुल शुद्ध है। आपको पानी आप देखेंगे गंगा जी में और जो हमारे संगम में बहुत अच्छा पानी लोगों को मिल रहा है। तो हमारी तरफ से ये पूरा का पूरा कोशिश है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि हम हर तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग हमारे पूरे देश भर से माघ मेला के लिए आ रहे हैं, माघ मेला में वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के, हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग लेकर के जब आप आते हैं, तो हमारा स्टेट बहुत केयर करता है आपका, हमारा स्टेट आप सबका बहुत ध्यान रखता है। अगर कहीं भी किसी को कोई कठिनाई होगी, हमारे सारे लोग, अभी आपने देखा कि यूथ को जोड़ा गया इसके साथ, ये हमारे जो बच्चे जो है जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उनको जोड़ा गया, वो उसको देखें कि हमारी ये सनातनी परंपरा हजारों हजारों साल से यहाँ पे जो चल रही है, उस व्यवस्था में कैसे हम जुड़े और लोगों को हर तरह की सुविधा प्रदान करें, उसकी व्यवस्था है। तो इस पर हमारा पूरा का पूरा प्रशासन, ये हमारा चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो है जो तमाम सारे विभाग है, चाहे वो मैंने अर्बन डेवलपमेंट का, पुलिस की आप व्यवस्था देखिए, लोगों की सुरक्षा के बारे में कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं, ट्रांसपोर्ट के बारे में आप देखिए कि यहाँ तक पहुँचे, हर तरह की व्यवस्था पूरी पूरी बनी हुई है कि जिससे हर कोई जाए तो पूरे खुशी खुशी अपनी आस्था के साथ यहाँ पे संगम में स्नान भी करें, और स्नान करके जो उसको जो ध्यान पूजा जो करना वो पूजा करें, और उसके बाद खुशी खुशी अपने घर को वापस जाएं। माघ मेला के दृष्टिगत पुलिस विभाग के द्वारा की गई तैयारियों व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान ने माघ मेले को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन के साथ संपन्न कराए जाने के लिए कहा है। लोगों की भीड़ भी आ गई है और व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से काफी कुछ संपन्न हो गया है। टिकट प्लेट जो कैरेजेस लगनी थी वो, हॉस्पिटल का निर्माण, जो घाटों पे जो कार्य होना है, पानी की क्वालिटी भी कुछ इश्यूज शायद पहले आ रहे थे वो भी अब एड्रेस किया गया, वाटर के कंटेंट को और स्पीड फ्लो जो है दोनों ही रिटेंड है। तो 6 तारीख तक मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से तैयारी हो जाएगी, और जो इस वर्ष हम लोग को अंदेशा है कि भीड़ ज़्यादा होगी क्योंकि कोविड के बाद का ये इशू रहेगा इस साल, तो उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उनकी समीक्षा चल रही है, उसके बाद बाकी और व्यवस्था। कोविड को देखते हुए जो कोविड प्रोटोकॉल्स ऑब्जर्व करने की तो बात कही गया है, बट अभी वॉलंटरी रखा मास्क का, बट हॉस्पिटल्स की तैयारी, अपनी एम्बुलेंस सिस्टम यहाँ से आइसोलेट करने की व्यवस्था, वो सब सारा कुछ रहेगा, तो ये तो देखने की किया जाएगा इस वक्त, वो तो खैर स्वास्थ्य विभाग का देखने का ये है कि वो क्या करेंगे, परंतु इस वक्त तो वॉलंटरी है, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मास्क का यूज़ करें इस तरह की कॉन्ग्रीगेशन में, तो और भी ज्यादा मतलब तीर्थयात्रियों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी, आराम से आ सके ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। और उसी हिसाब से पार्किंग वगैरह की भी व्यवस्था इस तरह से कर रहे हैं कि हो सकता है इस बार भीड़ अन्य माघ मेलाओं के बरिस पे ज्यादा हो, तो उसी हिसाब से तैयारी को भी देखा कि जाए जल्दी लिया जा रहा है। पैदल बहुत चलना पड़ता था, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा ठीक है, हम लोग पार्किंग कुछ क्लोजर तो ट्राई कर रहे हैं, इस बार ज्यादा संख्या में बढ़ाया गया है, तो इस बात को ही मैं अभी चेक कर लेता हूँ।